हाय, मैं हूं कुमार सानू और आप मुझे सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पे मधुरी माँ के साथ। कुछ पन्ने जिंदगी के फिर होटल में गा रहा हूँ। दो दिन हो गया, कुछ नहीं हो रहा है। पैसा तो चाहिए ना, और बॉम्बे का खर्चा। मैंने कोहली साहब बोल के टीसीडी में था, कोहली जी के पास मैंने कैसे भी करके कोहली जी तक पहुंचा। वो मैं नहीं बताऊंगा, वो लंबा प्रोसीजर। वो एएनआर मैनेजर थे। हाँ, कोहली जी मेरे को जानता था, इसलिए कि मैं तरंग सीडी लेके कैसेट लेके दिल्ली में वो लोग मार्केटिंग करने गया था टी सीरीज के साथ। तब मैं एक बार उनके साथ जाके आया था, तो कोहली जी बोलता कि अच्छा वॉइस है, कभी जरूरत पड़ेगा तो बोलूँगा। गुलशन जी के कंपनी में ये बाबला मेहता करके एक जन था जो मुकेश जी का गाना गाते थे, एक बिपिन सचदेवा करके था जो रवि साहब का गाना गाते थे, और एक वंदना वाजपेयी करके थी जो लता जी के गाना गाती थी। उनके पास किशोरदा का गाने गाने वाला कोई आदमी नहीं था, तो वो लोग थोड़ा सा ढूंढ रहा था उस तरह का आवाज़ कुछ हो। तो हम चला गया उनके पास। देखिए, ये आपका इंडियन एयरलाइंस का टिकट है दिल्ली का फ्लाइट का। हम फ्लाइट कभी चढ़ा नहीं था, ट्रेन में जाना आना करते थे। थर थर आ गया। हम लोग, मैं वहाँ जाके खोजाऊंगा, कोई लेने वाला नहीं होगा तो फिर मैं क्या करूँगा। नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सब हमारा सब हो गया। गुलशन जी आपको याद किया, वहाँ पे आपको इमीडिएट जाना पड़ेगा। वहाँ पे प्लेन में बैठ के दिल्ली चला गया। दिल्ली जाते ही वहाँ गाड़ी आ गया, मर्सिडीज। गुलशन जी के पास तो सब ही मर्सिडीज था, कोई और छोटा मोटा गाड़ी था ही नहीं। मैं तो बोला कहाँ, सपने में दौड़ रहा हूँ, पता नहीं। लेके गया गुलशन जी कोठी पे। गुलशन जी आए, बोले अरे सानू कैसे हो, कैसे सब ठीक ठाक ना, जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो ना। सानू हमारा क्या कुछ किशोरदा का गाना है, वो तुमको गाना पड़ेगा। किशोरदा का गाना तो उस समय मेरे को बोले तो कोई एकदम, मैं खुशी एकदम एक सेकंड में स्टेज पे गाता था, सब बाई हार्ट गाना। करीब 10 गाने तो गाना ही पड़ेगा, 10 गाना गा दो, एक कैसेट निकल जाएगा। फिर किशोर की यादें, सानू भट्टाचार्य जी एकदम, मैंने कैसेट में एकदम कोने में इतना छोटा करके लिखता था, किसी को पता ही नहीं किशोरदा का फोटो। किशोर की यादें वॉल्यूम नंबर 1, 10 गाना गा दिया, मार्केट में निकल गया। 7 दिन 10 दिन बाद फिर मैं तो घूमता फिरता था, हाजिरा देना पड़ता था। मैं वो एक बार टीसीरीज के ऑफिस में जाकर हाजिरा देता था, कोई काम वाम मिल जाए तो ऐसा। तो मैं जैसे ही गया तो मेरे को बोलता है बस आपको तो जाना पड़ेगा कल परसों के अंदर, कब आपका टाइम कब है। हमारा टाइम ही टाइम है, बताओ। फिर से टिकट आया, फिर से सब कुछ सेम। अभी थोड़ा सांस बढ़ गया। फिर एक साथ मेरे को 3 एल्बम गवाया, वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 4। 4-5 दिन रह रहा हूँ। मैं बोला गुलशन जी मेरे को एसटीडी करके वहाँ पे बोलना है, ये करना है। फ़ोन ले ले, कर ले घर पे किसको करूँ। तो फिर मैं बाजू वाले को, एक पान का दुकान था उधर, फ़ोन करके बोला कि बुला के रखिए, बात कर लेंगे। गाना हो गया, उसके बाद सीधे मेरे को एकदम हाथ में चेक दे दिया एक बड़ा, बोलता है 15,000 रुपया पर कैसेट तुम्हारा। ये 4 गाया, 60,000 रुपये का चेक। हमने बोला बाप रे बाप, 60,000 रुपया। तो मैं लेके एकदम खुशी खुशी सब आ रहा हूँ, ये वो। मैं बोला कुछ कैश पैसा नहीं हो सकता था। हाँ। दिल्ली आया तो कुछ खरीद फरीद के लेके जाऊँगा। अरे दे दो ए, तो सुशील आया। हाँ सर, बोलिए। अब समझू के हाथ में 10,000 रुपये दे दो, कैश दे दो। हमने बोला सर आगे सीधे कैसेट से काटना, डोंट वरी तुम जाओ। वहाँ के जो 3-4 लोग था, मुकेश बुकेश ये वो 2-4 लोग और था, क्या बात है, क्या बिक रहा है तुम्हारा सीडी यार, क्या बात है। हमको बोला बहुत अच्छा बिक रहा है गुलशन दादा, बहुत खुश है। मतलब मार्केट में अभी खाली तुम्हारा ही माल जा रहा है। मतलब हमको भी थोड़ा कैसेट वैसेट दे दीजिए एक दो, हम देखूँ। तो मेरे को दिया, मैंने देखा अपना गाना पहला कैसेट। इस तरह से शुरू हुआ, मैं 35 वॉल्यूम उनका गा दिया, किशोरदा का जितना भी गाना था। तो नेक्स्ट वीक जब गुलशन जी बॉम्बे आया आके, वो बोला कि सानू को बुलाओ। खबर गया वो पान के दुकान में, टी सीरीज कंपनी से फ़ोन आया था। तो मैं तुरंत एकदम भागा। गुलशन जी आया, गुलशन जी बोलता है कहाँ तू इतना दूर रह रहा है यार, इधर कोई घर बार ले ले, कुछ छोटा मोटा भाड़े पे ले ले यहाँ पे कुछ, ठीक है। तो महादेव सोसाइटी करके एक सोसाइटी था वहाँ पे, अपना जू सर्कल पे, तो वहाँ पे कोई भाड़ा था, भाड़े में 14-15,000 रुपया भाड़ा। तो मेरा कॉन्फिडेंस आ गया कि 14-15 तो मैं दे ही पाऊँगा, क्योंकि महीने में अगर 2 बार मैं दिल्ली जाता हूँ और कम से कम 4-5 दिन रह के आता हूँ, हर बार पैसा बढ़ा रहा है। इस बार 15,000 दिया, नेक्स्ट बार कुछ 20,000 दिया, उसके बाद 25,000 दिया, ऐसा करके वो खुद ही बढ़ा रहा है। मैं बोलता कुछ बोलता ही नहीं हूँ, मैं दिल लगा के गा रहा हूँ बस। सीधा मेरे को बुलाया, मैं गया अंदर, सानू करके सीने से लगा लिया। अरे तेरा वॉल्यूम 3
उसमें जब दर्द नहीं था सीने में, ये सब गाना था किशोरदा का। वॉल्यूम 3 ऐसा सेल हुआ ना कि रिकॉर्ड हो गया। बस ये चाबी रख। बोले ये क्या है, गाड़ी का चाबी दिया। बोले ये चाबी रख, बाहर देख गाड़ी खड़ा है, मारुति 800 टॉप रूफ जो वैन था जो जापान से वो लोग इम्पोर्ट करते थे उस समय, मैंने खाली आया बॉम्बे में, ये गाड़ी मेरे तरफ से तेरे को, पहला गाड़ी बॉम्बे में। ये थे गुलशन कुमार। कुछ और बातें, कुछ और कहानियाँ, कुछ ही देर में और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम और 92.7 बिग एफएम। कुछ पन्ने जिंदगी के।